मैम हमारा काम डिले हुआ तो इसमें 6-7 दिन के लिए इसमें रोक लग गया था काम का, इसलिए 6-7 दिन डिले चल रहा है हम लोग। और हम लोग का ये चार धाम यात्रा है, ये बिहार में पहली बार है। यहाँ चल रही कामों को देखकर आपको पता चल रहा होगा कि कितना काम अभी चार धाम के शुरू होने में बाकी है। ये रहा मुख्य द्वार जिसके द्वारा आप ऊपर की ओर जा सकते हैं। जब यह पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो काफी ही खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पूरा पॉन्ड की तरह आपको नजर आएगा जो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिसमें पानी भरा हुआ होगा और बीच की पुल से आप इधर से उधर क्रॉस कर सकते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य देखने को मिलेगा और यहाँ की ये डिस्प्ले देखकर बहुत ही मन प्रसन्नित हो जाता है। क्या कारीगरी से बनाया गया इसे। इन सभी को देखकर काफी ही मन खुश हो रहा है। चलिए ऊपर से मैं आपको ये दिखाता हूँ और साथ में सोनपुर के मेले का एक झलक ऊपर की ओर से ये दिखाता हूँ। काफी मस्त ये नजारा दिख रहा है सोनपुर मेले का। इस समय मैं सोनपुर मेले में उपस्थित हूँ। ये वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से मेले बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है और मेले के उद्घाटन के लगभग 7-8 दिन हो चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मेले के उद्घाटन के 7-8 दिन हो चुके हैं और मेला अभी भी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। झूले उले लग गए हैं लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार मेले में आपको चार धाम यात्रा करने को मिलेगा और बिल्कुल आप देख सकते हैं उस चोटी के ऊपर आपको देख रहा होगा महादेव का मंदिर। तो ये धाम हम लोग इस वीडियो में घूमने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस धाम को कब बनाया गया, कब से इस धाम के लिए लोग घूमने आएंगे। तो चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से और काफी जोरों शोरों से अभी तक काम यहाँ पर चल रहा है। बताया जा रहा है कि सोनपुर मेले में प्रशासन की कमी हमेशा देखने को जैसा कि मिलता है वैसे मिल रहा है। सर प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि चार धाम यात्रा आप कर पाएंगे बिहार के सोनपुर में, जिसका मात्र 50 रुपए आपको टिकट का प्राइस देना होगा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम चार धाम की पूरी यात्रा करते हैं इस वीडियो में और आपको भी यात्रा करवाते हैं। आप यही काम करवा रहे हैं? ये मेरा ही है, आप ही का मेला है। तो चार धाम मेला में अभी बहुत सारी कामें हो रही है, कब तक शुरू है? कल सुबह से स्टार्ट हो जाएगा। कल सुबह से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 21 तारीख को सुबह से स्टार्ट होगा। अच्छा, मेले शुरू होने के 7-8 दिन हो गए शुभारंभ होने का। हाँ, थोड़ा लाइसेंस का इशू था, बीच का काम रोक दिया गया था। तो लाइसेंस क्यों नहीं मिला? कुछ कारण रहा होगा, विभाग का अपना कुछ काम वगैरह रहा होगा। अच्छा, सोनपुर मेले को लेकर लोग तैयार क्यों नहीं रहता है, यहाँ की सरकार क्यों नहीं तैयार रहती है कि मेला लग रहा है? इतना बड़ा एशिया का मेला है सर और अभी तक आपका काम चालू हो रहा है और मतलब प्रशासन की कमी रहती है, लाइसेंस नहीं मिलता है, क्यों होता है ये सब? ये जो प्रशासन जाने ना, हमारा काम डिले हुआ तो इसमें 6-7 दिन के लिए इसे रोक लग गया था काम का, इसलिए 6-7 दिन डिले चल रहा है हम लोग। और हम लोग का ये चार धाम यात्रा है, ये बिहार में पहली बार है। बिहार में पहली बार? हम लोग पिछले बार बिहार में पहली बार लाते हैं, वैष्णो देवी का ये मेरा ही था। अच्छा, हम लोग गया बाजार में लगाए थे जी और इस बार हमारा वैष्णो देवी लग रहा है चिड़िया बाजार में जो लगा हुआ है। अच्छा, और चार धाम हमारा 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो सर चार धाम यात्रा के लिए कितना प्राइस लगेगा? ये अभी फाइनल नहीं है, कल सुबह बताएंगे इसके। 50 मान के चलिए, मिनिमम 50। हाँ, उनको